उसको बात करते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। बहुत कम यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली थी फ्राइडे की ट्रेडिंग में, बट स्टिल अगर यहाँ पर हरा निशान के साथ स्टॉक हमारा बंद हुआ है तो अच्छी खबरें दोबारा से आना स्टार्ट हो चुके हैं इस स्टॉक में, ठीक है। 100 करोड़ के आसपास का माल यहाँ पर जल गया था बुधनी के इनके वेयरहाउस में, उसके बाद इंश्योरेंस वगैरह की बात बताई थी मैंने आपको, और वहां से स्टॉक ने दोबारा से यहाँ पर रेल पकड़ना स्टार्ट कर लिया। जो एक रैली थी वो दोबारा से देखने को मिलने लगी है। एक अच्छी खबर यहाँ पर यह आई है कि FII ने अपने मार्च क्वार्टर में अपनी शेयर होल्डिंग को इंक्रीज किया है ट्राइडेंट में, तो ये एक अच्छी खबर है हमारे सामने। और एक और चीज हमारे सामने आई कि कई बड़ी खबरें हैं और एक बड़ी खबरें इस तरह से भी हैं कि ट्राइडेंट में जब लॉकडाउन लगेगा तो क्या होने वाला है, ठीक है। एक सवाल हमारे पास आया था, इसका भी जवाब देने की कोशिश हम करेंगे इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। बट अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें ट्राइडेंट की, देखो एकदम हम दरवाजे पे खड़े हैं कि लॉकडाउन लगाया जा सकता है, और जो भी फर्म्स हमारी फिजिकल प्रोडक्ट डिलीवर करती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं, इंपोर्ट करती हैं, उन पर रेस्ट्रिक्शन सबसे पहले लगाया जाता है। और ट्राइडेंट लिनन के टेक्सटाइल के बिजनेस में है तो इस पर जो रेस्ट्रिक्शन है वो सबसे पहले लगाने की उम्मीद आप यहाँ पर कर सकते हो अगर लॉकडाउन लगाया जाता है तो, जो कि काफी ज्यादा पॉसिबल अब यहाँ पर लगने लगा है। जैसे कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा दिया गया है, दिल्ली में भी वीकेंड्स कर्फ्यू लगा दिया गया है, काफी और स्टेट्स में भी वीकेंड्स कर्फ्यू लगाया जा चुका है, लखनऊ हो गया, पूरा यूपी में भी वीकेंड्स कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहां पर तो 1000 मास्क ना लगाने पर और दोबारा अगर पकड़े गए मास्क ना लगाए हुए 10,000 का जुर्माना वहां पर कटेगा। ये और बात है कि हमारे प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर और CM साहब नहीं लगाते हैं मास्क, बट स्टिल उनको कौन कह सकता है, बट आप थोड़ा सा सतर्क रहिए, 10,000 रुपए का चालान नहीं करवाना है तो मास्क वगैरह लगाकर निकले बाहर को, ठीक है। बात करें ट्राइडेंट की तो ट्राइडेंट में पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी दोनों ही नेगेटिव है इस समय पर, वो इसलिए क्योंकि अगर लॉकडाउन लगाया जाता है तो उनका जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम है वो हिट होने वाला है। साथ ही साथ अगर लॉकडाउन लगाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले इनका स्टॉक स्प्लिट हुआ था और उसके बाद अब स्टॉक दोबारा से ही यहाँ पर रिकवरी में है, 4.5 रुपए से 52 वीक लो था और 17 रुपए का 52 वीक हाई था, तो कहीं ना कहीं अपने अपर एंड पर ही रुका हुआ है लगातार। और यहाँ से जिस तरह से अच्छी खबरें आना शुरू हुई थी उसके बाद एक रैली की उम्मीद कर रहे थे, बट मार्केट में गिरावट होना स्टार्ट हो गई है तो उसका भी असर हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है और कौन से फैक्टर है जो परेशान करेंगे। सबसे पहला फैक्टर है कि इंडियन रूपी, इसका फायदा बहुत मिलता ट्राइडेंट को अगर ये नॉर्मल मार्केट होता। इंडियन रुपी लगातार डेप्रिशिएट कर रहा है, डेप्रिशिएट करने से मतलब है कि 75 रुपए का एक डॉलर हो चुका है, 75 रुपए देंगे तो एक डॉलर आपको मिलेगा, तो यहाँ पर रुपी डेप्रिशिएशन हो रहा है। और रुपी डेप्रिशिएशन के टाइम पे जो भी कंपनीज एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व होती है उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि अभी कम माल बेचेंगे तब भी इनको बहुत सारा रुपया मिल जाएगा, क्योंकि अब डॉलर महंगा हो गया है तो बाहर भेजेंगे तो डॉलर एक डॉलर आएगा तब भी इनको एक डॉलर के बदले 75 रुपए मिल जाएंगे, तो उसका फायदा ट्राइडेंट को मिलता अगर ये नॉर्मल बाजार होता हमारा तो। बट क्योंकि ये कोविड से जुड़ा हुआ मामला है, कोविड हमारा जो सेकंड पॉइंट है, तो यहाँ पर माल भेजने की नौबत ही नहीं आने दे रहा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट यहाँ से इंडिया से काफी ज्यादा बंद है, बहुत सारे कंट्रीज ने फ्लाइंग भी बंद कर दी है, जो प्लेन्स वगैरह से लोग ट्रैवल कर रहे थे वो भी बंद कर दिया है, बैन लगा दिया गया है अभी यहाँ पर, तो उसका असर है वो नेगेटिवली पड़ेगा ट्राइडेंट के ऊपर। तीसरा जो पॉइंट है FII फ्लो का, नेगेटिव हो चुका है FII फ्लो, नेट सेलर्स में रहे हैं पूरा अप्रैल का पूरा महीना आप देखेंगे तो यहाँ पर FIIs ने खाली बिकवाली की है, खरीदारी बहुत मिनिमम की है, ठीक है। अर्निंग्स की बात करें तो देखो अर्निंग का महीना आ गया है, ये एक पॉजिटिव चीज है कि जब अर्निंग का महीना आता है तो वहां पर अच्छी खबरें आना स्टार्ट होती है और उसके बाद वहां से बाजार में पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होता है। अगर बाजार कॉन्फिडेंट रहेगा तो जो उसका असर होगा वो ट्राइडेंट के ऊपर भी पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। फिफ्थ पॉइंट है बॉन्ड यील्ड, वहां पर भी एक अच्छी खबर आ रही है कि अमेरिकन बॉन्ड यील्ड में करेक्शन देखने को मिला है, काफी बढ़िया यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी खबर होगी हमारे लिए, क्योंकि अगर बॉन्ड यील्ड हमारा डाउनवर्ड जाएगा तो स्टॉक मार्केट हमारा अपवर्ड आएगा, और वही अमेरिकन बाजारों में हो भी रखा है कि ऑलमोस्ट हाई पर चल रहा है हमारा अमेरिकन बाजार, जो ग्लोबल क्यूज है वो बहुत अच्छे आ रहे हैं भारत के लिए भी, तो उसका असर भी देखने को मिलेगा। तो दो चीजों के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा परेशान रहना है, एक FII फ्लो, एक कोविड, दोनों ही फ्रंट नेगेटिव है। बाकी इंडियन रुपी अगर डेप्रिशिएट होता है तो ट्राइडेंट को बेनिफिट होगा इस बात से। अर्निंग्स अगर बहुत सारी कंपनी अर्निंग घोषित करती है तो बहुत ज्यादा पैसा बाजार में लगेगा, क्योंकि लोगों को लगता है कि इस कंपनी ने अच्छा रिजल्ट दिया है तो इसमें पैसा लगाओ, और वो स्टॉक भी बढ़ता है साथ साथ मार्केट में कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। फिफ्थ पॉइंट बॉन्ड यील्ड का है, इससे भी हमें पॉजिटिवली इंपैक्ट मिलेगा ट्राइडेंट के स्टॉक पर, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर खबरें ठीक ठाक आना शुरू हुई है, बट जो कोविड की प्रॉब्लम है वो तो अभी भी सस्टेन कर रही है। और मार्केट में आप देखोगे तो मंडे को थोड़ी सी गिरावट का दौर जरूर मिला था हमें, बट उसके बाद मार्केट ने भी थोड़ा रिकवरी का माहौल दिखाया है,
जो एक बात हो रही थी लगातार कि अगर कोविड केसेस बढ़ेंगे तो पिछली बार की तरह गिरावट होगी, वो कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिल रही है। तो ये एक अच्छी खबर हो सकती है हमारे लिए, ठीक है। तो कोविड का डर उतना नहीं है, मार्केट थोड़ा सा सस्टेन कर रहा है, थोड़ा सा लेवल मेंटेन कर रहा है। 21 अप्रैल को रामनवमी के लिए बाजार बंद रहेगा, तो उस दिन को आप छोड़ देंगे, 4 दिन का हमारा हफ्ता होने वाला है लगभग, थर्सडे को एक्सपायरी हो जाएगी हमारी। तो अब देखो कि लगातार यहाँ पर ठीक ठाक खबरें हमारे सामने है, ठीक है। और इसी वजह से ट्राइडेंट में अब बहुत बड़ी रैली की उम्मीद ना करो, अगर तो भी यहाँ पर न्यूट्रल जोन बनने की उम्मीद आप कर सकते हो। जो एक रेंज है हमारा स्टॉक, जिस रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है लगातार, 14.35 रुपए और 14.13 रुपए 70 पैसे के बीच में, 13.30 रुपए के बीच में, तो भी ठीक बात है, क्योंकि न्यूट्रल भी रहता है स्टॉक हमारा, तो भी ठीक ठाक मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। जिस स्टॉक में एक अच्छी रैली बन रही है, ये कुछ खबरों का असर है, कुछ इंडियन रुपी के डेप्रिसिएशन का असर है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो स्टॉक हमारा एक्सपोर्ट के बिजनेस में काम करता है वो काफी बढ़िया चल रहा होता है, और यही एक बेनिफिट हमें ट्राइडेंट में इस समय पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो कम से कम अगर आप खरीदारी ना करो इस स्टॉक में तो बेचना नहीं है, बेचोगे तो फिर पछताना पड़ सकता है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि बॉटम आउट कहां पर होगा मार्केट। मार्केट अभी भी अपने आप को सस्टेन किए हुए है, जो 2 लाख 2.5 लाख के आसपास केसेस डेली आ रहे हैं, और जिस तरह से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है तो सरकारें भी थोड़ी सी जागरूक हो गई हैं, अब तक सो रही थी बट अब यहाँ पर थोड़ा सा जाग गई हैं सरकारें भी, तो वो भी काम करेंगे, तो उसका असर भी बाजार पर भी होगा और वैक्सीनेशन के काम पर भी तेजी आती को देखने को मिलेगी। तो उसके लिए तैयार है, थोड़ा सा संभल के चले, पेशेंस रखें, होल्ड करें स्टॉक को, ट्राइडेंट कहो, टाटा मोटर्स कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। होल्ड करने की मेरी सलाह रहेगी, आने वाले दिनों में जो भी लॉस है आपका वो तो रिकवर होगा ही, साथ ही साथ आपको एक अच्छा प्रॉफिट भी इस स्टॉक में देखने को मिलेगा। तो होल्ड करें स्टॉक को, बाय नहीं करना है इस लेवल पर, बाय भी नहीं करना है क्योंकि मार्केट वोलेटाइल है, तो बाय करके फंसना नहीं है आपको। एवरेज करने की कोशिश अभी ना करो तो ज्यादा बेहतर है, जितना पैसा लग गया है बस लग गया है, अभी यहाँ पर शांति से बैठे रहना है बस हमें। तो होल्ड करने की मेरी सलाह रहेगी, लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रेटजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना हमारे साथ। वीडियो हम यही खत्म कर रहे हैं, DII भी यहाँ पर देखिए खरीदारी कर रहे हैं, बट उनके पास काफी ज्यादा फंड होता है तो वो खरीदारी कर सकते हैं, आप यहाँ पर एंटर ना लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से, बाकी लास्ट कॉल आपका होना चाहिए जैसे मैंने कहा। वीडियो खत्म कर रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड यस कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट करो, सभी कमेंट रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू अगेन, बने रहिए, होल्ड कीजिए, सस्टेन करिए मार्केट को, थोड़ा सा और संभल के चलना है, कम से कम जितना लॉस हुआ उससे ज्यादा लॉस ना हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। थैंक यू।